गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राजपाल मीणा, प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइन, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सांगाने जयपुर। आज मैं आपको स्ट्रक्चर फैब्रिक डिजाइन फर्स्ट का जो यूनिट 6 है क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक व्यू, उसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिक व्यू 3 प्रकार की होती है, प्लेन व्यू, 12 व्यू, 39 व्यू। सबसे पहले मैं प्लेन व्यू लेता हूँ। प्लेन व्यू क्या होती है? प्लेन व्यू प्रथम बेसिक व्यू है। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है कि इसमें प्रत्येक बात के ऊपर व नीचे एकांतर क्रम में चलते हैं। कैसे? जैसे ये आपके वेब्ट है, ये वार्प है, इसी प्रकार से नेक्स्ट वेब्ट आपका ये इसके अप में रहेगा, ये आपका वार फर्स्ट, ये आपका सेकंड। इस प्रकार से ये वेब्ट फर्स्ट, ये सेकंड। तो देखिए, जब पहला बार पे जो पहले टिप के डाउन है और दूसरे टिप पर अप है, इसी प्रकार से जो दूसरा बार पे वो पहले टिप पर आपका अप है पहले वेब पर और दूसरे वेब पर डाउन। तो ये इस प्रकार से एकांतर क्रम में अप और डाउन होते हैं आपस में, यानी कि प्रत्येक वेब प्रत्येक वार्प के एकांतर क्रम में अप और डाउन होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से। अब आता है आपका कि इसको और कौन कौन से नामों से जाना जाता है प्लेन व्यू को, वो है टैबी। कौन कौन से नाम है इसके और नाम है? टैबी, होमस्पन, टैक्टा, टैक्टा और सेलिक कलिका, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसके अल्टर नेट नेम है। दूसरा, अब इसका अपीयरेंस किस प्रकार से होता है? प्लेन व्यू है, जो प्लेन व्यू से जो बना हुआ फैब्रिक है वो दोनों तरफ से फ्लैट दिखाई देता है, यानी कि इसका उल्टा और सीधा पक्ष हम नहीं कर सकते। इसका उल्टा और सीधा पक्ष करने के लिए हमें इस पर कोई ऑर्नामेंटेशन करना पड़ता है, तब जाके हमें ये पता चलता है कि इधर से उल्टा है इधर से उल्टा है। ज़्यादातर जो फैब्रिक है वर्ल्ड में वो प्लेन व्यू से बनाया जाता है, और इसको लूम पर बनाने के लिए सबसे सिंपल व्यू है, और ये लूम पर आसानी से बनाया जा सकता है। लूम पर प्लेन व्यू को बनाने के लिए कम से कम 2 एंड्स कोमा 2 पिक्स तथा 2 हिंड फ्रेम की आवश्यकता होती है, यानी कि प्लेन व्यू को
रूम पर बनाने के लिए कम से कम 2 ends, 2 picks तथा 2 end frame की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार से, जैसे ये आपका ये मैंने लिया, इस प्रकार से ये आपके डिजाइन, ये ड्राफ्ट यानी फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, तो ये एंड्स, ये आपके पिक्स, ये पिक्स नंबर 1, ये पिक्स नंबर 2, ये एंड्स नंबर 1 और ये एंड्स नंबर 2, ये आपका पैक प्लान और लिफ्टिंग प्लान, ये आपका फर्स्ट और सेकंड फ्रेम, ये फर्स्ट पिक और ये सेकंड पिक। अब किस प्रकार से होती है इसकी डिजाइन, वन अप, इसका जो मैनर होता है वो वन अप वन डाउन, यानी वन अप वन डाउन। तो सबसे पहले यहां, इसके बाद ये रहेगा आपका डाउन, नेक्स्ट एंड ये अप है तो ये डाउन रहेगा और ये अप होगा। तो इसके लिए ये 2 ends और 2 picks। अब इसको बनाने के लिए कम से कम हमें कितने फ्रेम की आवश्यकता पड़ेगी, 2 की। कैसे, कि जो पहला एंड्स है वो पहले फ्रेम में, अब दूसरा एंड्स है वो पहले जैसा नहीं है, इसमें आप यहाँ है यहाँ डाउन है, इसलिए ये इसमें जाएगा दूसरे फ्रेम में। अब इसका पैक प्लान यहां से किस प्रकार देखेंगे, यहां से चलेंगे हम इधर, तो इसमें यहां पर होगा, इसके नीचे की डिजाइन किसी है? ये, और नेक्स्ट में आपका इसमें, इसके नीचे ये। तो पैक प्लान में क्या होगा, फर्स्ट पिक पर आपकी पहली फ्रेम अप रहेगी और दूसरी डाउन रहेगी, और दूसरे पिक पर पहली डाउन रहेगी और दूसरी अप रहेगी। इस प्रकार से ये आपका जो प्लेन है, बीम है, वो अल्टरनेट बनता रहता है। अब प्लेन बीम की प्रॉपर्टीज, कि प्लेन बीम में क्या क्या गुण है, क्या क्या इसकी विशेषता है। प्लेन बीम से बना हुआ फैब्रिक है जो बहुत मजबूत होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो बार और वेब का इंटरलेसमेंट है वो अच्छी तरह होता है, इसलिए इससे बना हुआ जो फैब्रिक है वो मजबूत और टिकाऊ होता है। दूसरा, प्लेन बीम से बना हुआ फैब्रिक साफ भी जल्दी होता है। कैसे, क्योंकि इसमें जो बार और वेब का जो इंटरलेसमेंट है वो बहुत पास पास में होता है, बहुत सघन होता है, जिसके कारण से धूल मिट्टी के कण वो कपड़े के अंदर तक नहीं जा पाते, इसलिए इसको जब भी हम साफ करते हैं तो तुरंत साफ हो जाता है। तो ये आपका प्लेन। अब ये तो आपकी ओनली टू एंड्स और टू पिक्स पर। इसी प्रकार से हम इसको और ज्यादा उस पर भी बना सकते हैं, जैसे 4x4 की बना देता हूं मैं। किस प्रकार से बनेगी, ये आपका 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपके एंड्स और ये आपके पिक्स। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके ऊपर आपका ये जो ड्राफ्ट है ये 2 frame में बनेगा, ये फ्रेम नंबर 1, ये फ्रेम नंबर 2, ये कहलाएगा आपका ड्राफ्ट, ये आपके डिजाइन, और इसके बगल में ये आपका पैक प्लान 1 2। अब देखिए जो प्लेन व्यू का जो मैनर है वो हमेशा वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन। तो कैसे, कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वन अप वन डाउन, फिर वन अप वन डाउन, नेक्स्ट जो पिक वो है एंड्स
वो जहां ही अप है वहां ये क्या रहेगा, डाउन। तो ये डाउन, ये अप, ये डाउन, अप। फिर नेक्स्ट अगला अप डाउन, अप डाउन, ये डाउन अप डाउन अप। अब इसका जो ड्राफ्ट है वो किस प्रकार से भरेंगे हम, पहला एंड्स पहले फ्रेम में, दूसरा एंड्स पहले से अलग है क्योंकि इसमें आप यहाँ है इसमें यहाँ है, तो ये जाएगा दूसरी फ्रेम में। तीसरे को देखिए, तीसरा और पहला ये आपस में समान है इसलिए वापस फर्स्ट फ्रेम में, चौथा और दूसरा समान है इसलिए सेकेंड फ्रेम में। अब इसका ये जो पैक प्लान है वो किस प्रकार से, तो ये देखिए इसमें ये बोले यहाँ यहाँ है, इनके नीचे की डिजाइन जो है वो वरना वरना इसी प्रकार से इस लाइन में ये यहाँ है तो उनके नीचे की जो डिजाइन है वो यहाँ, ये हो गया इसका पैक प्लान। तो इस प्रकार से ये प्लेन व्यू की हम डिजाइन बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रथम बेसिक व्यू प्लेन व्यू। नेक्स्ट है हमारी ट्विल व्यू। तो दूसरी जो बेसिक व्यू है वो है हमारी ट्विल व्यू। वो किस प्रकार से, सबसे पहले ट्विल व्यू के बारे में बताता हूँ। ट्विल व्यू किसी भी डिजाइन में इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है कि बार और वेब का इंटरलेसमेंट इस प्रकार से होता है कि कपड़े की सतह पर हमें तिरछी लाइनें दिखाई देती है। यदि कपड़े की सतह पर एक तरफ लाइन लेफ्ट टू राइट बढ़ती हुई दिखाई देगी तो दूसरी तरफ बैक साइड में देखेंगे तो राइट टू लेफ्ट बढ़ती हुई दिखाई देगी। कैसे, कपड़े का जो इसका अपीयरेंस है वो किस प्रकार से होगा, स्ट्रक्चर वो किस प्रकार से होगी। ये आपका फैब्रिक है, ये आपका फेस साइड है और ये आपका इसका ही बैक साइड है। यदि फेस साइड आपको लाइन राइट टू सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हुए दिखेगी, यानी कि आपको ये इधर ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये लेफ्ट है ये राइट है। तो इसमें देखिए आपको लेफ्ट टू राइट इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से लाइन दिखेगी हमें तो किधर लिखेंगे, फेस साइड। तो ये हो गई आपकी राइट एटीट्यूड क्योंकि लेफ्ट से राइट इधर जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हमें दिखती है इस प्रकार से लाइन, अगर ये फेस साइड आपको इस प्रकार से दिखेगी तो उसको बैक साइड देखेंगे तो वो इस प्रकार से दिखेगी। यानी कपड़े के फेस साइड पर अगर लेफ्ट टू राइट जाती हुई दिखेगी तो कपड़े के बैक साइड पर हमें राइट टू लेफ्ट दिखेगी। तो अब ये हो गया इसका अपीयरेंस, यानी इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है कि वार और वेब का इंटरलेसमेंट इस प्रकार से होता है कि कपड़े की सतह पर हमें तिरछी लाइनें दिखती है। दूसरा, अब इसको जो ट्विल व्यू है वो ट्विल व्यू की जो डिजाइन है वो हम ट्विल व्यू को बनाने के लिए कम से कम 3 पिक्स 3 हेड फ्रेम और 3 हेड्स की आवश्यकता पड़ती है। तो किस प्रकार से, यानी कि जो ट्विल व्यू है ये लूम पर हम बनाते हैं तो कम से कम 3 हेड्स 3 पिक्स और 3 हेड फ्रेम की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो किस प्रकार से बनेगी ये देखिए आप, ये आपका 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 3 ही आपको फ्रेम की आवश्यकता पड़ेगी, 1, 2, 3 और ये इसका 1, 2,
तो इसका जो मैनर है वो हम रखते हैं, सबसे पहले इसका मैनर देता हूँ, वन अप टू डाउन, यानी वन अप टू डाउन, ये इसका मैनर नहीं, क्योंकि थ्री हैंड्स है और थ्री पिक्स है, इसलिए वन अप टू डाउन या टू अप वन डाउन, टू अप वन डाउन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो ट्विल बीम है उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। तो सबसे पहले मैंने लिया वन अप टू डाउन, तो इसमें देखिए जो आपको इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ये आपका वन टू, सबसे पहले ये थ्री बाई थ्री का ग्राफ लिया, ये स्टेप आपका वन। इसके बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, एक दो, इसको देखिए इसमें आपका इसमें क्रॉस, ये तो आपका ग्राफ लिया आपने, सबसे पहले क्रॉस लगे हूँ यहाँ वन अप टू डाउन, पहले मैं ये वन अप टू डाउन वाला मैंने दे रहा हूँ। अब ये हो गया आपका स्टेप वन, ये स्टेप टू, फिर आपका एक स्टेप थर्ड में क्या आएगा, ये क्रॉस तो यहां ऑलरेडी ही है, अब इसको क्या करेंगे हम, यहां एक पिक आउटवर्ड और एक पिक आउट अपवर्ड बता रहेगा, यहां ये हो गया वन अप और टू डाउन। नेक्स्ट स्टेप फोर, उसमें देखिए इस प्रकार से बनेगी वन टू, तो पहला आपका यहां, फिर आपका क्रॉस यहां, और नेक्स्ट क्रॉस आएगा वो यहां, तो ये इस प्रकार से ये डिजाइन आपकी स्टेप नंबर फोर, चार स्टेप में कंप्लीट होगी। पहला स्टेप हमने थ्री बाई थ्री का ग्राफ लिया, दूसरे स्टेप में हमने क्रॉस लगाया था यहाँ, तीसरे स्टेप में ये एक पिक आउटवर्ड और एक अपवर्ड, क्योंकि इसका काउंटिंग नंबर एक रहता है। नेक्स्ट में यहाँ से गए यहाँ, इस प्रकार से बनती है। तो ये जो डिजाइन है वन अप टू डाउन की वो किस प्रकार से होगी, वन अप टू डाउन, वन अप टू डाउन, वन अप टू डाउन। अब इसका जो ड्राफ्ट है ये तो आपके हैंड्स वन टू थ्री, ये पिक्स वन टू थ्री, यहाँ आपकी फ्रेम नंबर वन टू थ्री, तो पहला एंड्स पहली फ्रेम में, दूसरा एंड्स पहले से अलग है तो दूसरी फ्रेम में, तीसरा इन दोनों से अलग है इसलिए तीसरी फ्रेम में। तो साधारण ट्विल बीम को बनाने के लिए जितने एंड्स हैं उतनी हमें मिडिल फ्रेम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया आपका वन अप टू डाउन से ट्विल बीम। इसी प्रकार से हम टू अप टू डाउन, टू अप वन डाउन भी ले सकते हैं, वो कैसे लेंगे, उसको देखिए आपने टू अप वन डाउन, इससे जो नेक्स्ट वाला यहां से स्टार्ट करेंगे टू अप वन डाउन, इससे नेक्स्ट यहां से स्टार्ट करेंगे तो वन अप यहां और दूसरा यहां जाएगा नीचे टू अप वन डाउन। तो इसका जो ड्राफ्ट है वही पहला एंड पहले फ्रेम में, दूसरा दूसरी में, तीसरा तीसरी में। ड्राफ्ट जो पैक प्लान है वो आपका टू अप वन डाउन, टू अप वन डाउन और टू अप, इस प्रकार से ये बनेगा आपका। तो ये आपकी नॉर्मल ट्विल, तो ट्विल बीम का जो फैब्रिक है वो देखने पर हमें कैसा लगेगा, या तो लाइनें लेफ्ट टू राइट जाती हुई दिखेगी या राइट टू
लैपटॉप के लिए। डिजाइन उसकी बनाने के लिए कम से कम 3 व्हील्स, 3 एंड्स और 3 पिक्स की आवश्यकता पड़ती है। अब ट्विल व्हील जो है वो प्लेन व्हील के कंपैरिजन में वेट भी ज़्यादा होता है, इसमें क्लोजर सेटिंग ज़्यादा होती है और ड्रैपिंग भी इसकी अच्छी होती है प्लेन व्हील की तुलना में। अब आता है ट्विल व्हील को हम जो साधारण ट्विल व्हील है उसको 5 प्रकार से बना सकते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं? तो साधारण ट्विल व्हील है जो 5 प्रकार की होती है। किस प्रकार से? सबसे पहला है आपका जो ट्विल व्हील है 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 राइट हैंडेड ट्विल, सॉरी राइट हैंड साइड ट्विल। नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड ट्विल। नंबर 3 बार फेस ट्विल, बार फेस ट्विल। नंबर 4 वेफ्ट वेफ्ट फेस ट्विल। और नंबर 5 बैलेंस ट्विल। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको राइट हैंड साइड ट्विल किस प्रकार से बनती है। तो इसमें जो मैनर है वो मैं ले रहा हूँ 3 अप। इसमें जो मैनर है वो लिया 3 अप 2 डाउन, तो 3 2 5। तो इसकी जो डिजाइन बनेगी वो 5x5 में बनेगी। तो किस प्रकार से बनेगी? मैनर लिया हमने 3 अप 2 डाउन, तो ये आप किसे बने 3 2 5 यानी 5x5 में। तो ये आपका 1 2 3 5, 1 2 3, ये तो इसका ग्राफ। इसके नीचे डिजाइन 1 2 3 और ये इसका ग्राफ। तो सबसे पहले मैनर अपना 3 अप 2 डाउन, यहाँ के एंड्स यहाँ के पिक्स, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 5। तो 3 अप 2 डाउन मैनर से इसको बनाएंगे। आप राइट हैंड साइडेड है तो राइट हैंड साइड क्या होती है बार, अगर बार और वेब का इंटरसेक्शन इस प्रकार से हो कि जो ट्विल व्हील है उसकी दिशा लेफ्ट से चल करके राइट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे तो वो कहलाती है राइट हैंड साइडेड ट्विल। तो इसमें देखिए हम किधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से 3 अप 2 डाउन, फिर एक पिक आगे और एक अप से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 अप 2 डाउन, 3 अप 2 डाउन, 3 अप 2 डाउन और ये 3 अप 2 डाउन। तो इसमें देखिए ये आपका लेफ्ट और ये राइट, तो इसमें देखिए लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, यानी बार पर वेफ्ट का इंटरसेक्शन इस प्रकार से किया गया है कि जो ट्विल लाइन की जो दिशा है वो लेफ्ट टू राइट है, इसलिए इसको कहते हैं राइट हैंडेड ट्विल। इसका जो ड्राफ्ट है किस प्रकार से बनेगा, पहले एंड
पहले फ्रेम में, दूसरा पहले से अलग है इसलिए दूसरी में, तीसरा इन दोनों से अलग है इसलिए थर्ड में, चौथा इन तीन से अलग है इसलिए इसमें, और पांचवा सबसे अलग है इसलिए इसमें। इसका जो ड्राफ्ट है पैक प्लान है वो सेम डिजाइन, किसी भी डिजाइन का अगर ड्राफ्ट स्ट्रेट है तो उसका जो पैक प्लान है सेम डिजाइन जैसा ही होता है। तो ये आपका पैक प्लान और ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड ट्विल, राइट हैंड साइड ट्विल। अब आता है लेफ्ट हैंड साइड ट्विल। यदि साधारण ट्विल व्हील में बार और वेब का इंटरलेसमेंट इस प्रकार से हो कि ट्विल की जो दिशा है वो राइट से चलकर लेफ्ट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे तो वो कहलाती है लेफ्ट हैंड साइडेड ट्विल। उसको किस प्रकार से बनाएंगे, सेम मैनर ले लेता हूं मैं, और उसकी जो डिजाइन है वो बनेगी आपकी इस प्रकार से, वो देखिए मैनर आपका सेम ये रख रहा हूं। तो इसमें ये देखिए 1 2 3, 1 2, ये इसका पैक प्लान 1 2, इसमें देखिए वो 3 अप 2 डाउन, ये आपका लेफ्ट और ये राइट। तो अब सबसे पहले अब बनाएंगे हम लेफ्ट एंडेड ट्विल, यानी राइट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट की तरफ चलेंगे। तो देखिए मैंने 3 अप 2 डाउन कौन सा, 3 अप 2 डाउन, एक कदम यहाँ से छोड़ा, यहाँ से स्टार्ट किया, 3 अप 2 डाउन, 3 अप 2 डाउन, 3 अप 2 डाउन, ये 3 अप 2 डाउन। तो ये इसमें ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंडेड ट्विल, क्योंकि राइट से स्टार्ट कर रहे हैं और लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए इसका जो ड्राफ्ट है पहले लाइन पहला है पहले फ्रेंड में, दूसरा दूसरी में, तीसरा तीसरी में, चौथा चौथी में, हाँ इसी प्रकार से बनेगा। और ये इसका जो पैक प्लान है वो सेम, क्योंकि किसी भी डिजाइन का अगर ड्राफ्ट स्ट्रेट है तो पैक प्लान सेम डिजाइन जैसा ही होता है। तो इसी प्रकार से ये इसका पैक प्लान हो गया। तो ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंडेड ट्विल। अब आता है वार फेस ट्विल। वार फेस ट्विल क्या होती है, जिसमें वार की संख्या, वार की मात्रा, फेस साइड वार की मात्रा ज़्यादा होती है तो कहलाती है आपकी वार फेस ट्विल, यानी वार पर वेब का इंटरलेसमेंट इस प्रकार से हो कि कपड़े की सतह पर वार की अधिकता दिखाई दे तो वो कहलाती है वार फेस ट्विल। उसका मैनर किस प्रकार से होता है, ये अगर ऊपर की संख्या अगर ज़्यादा है किसी मैनर में तो इसका मतलब है वार फेस ट्विल, और अगर नीचे की संख्या ज़्यादा हो तो उसका मतलब है वेब फेस ट्विल है। तो इसमें देखिए ये आपकी सेम वार फेस ट्विल भी कहलाएगी, ये आपकी क्या कहलाएगी, वार फेस ट्विल भी कहलाएगी, जो कि 3 अप 2 डाउन से मैनर से बनी हुई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है वेब फेस ट्विल। वेब फेस ट्विल क्या होती है, यदि किसी ट्विल में वार और वेब का इंटरलेसमेंट इस प्रकार से हो कि कपड़े के फेस साइड पर वेब की मात्रा ज़्यादा दिखाई दे, यानी उसका मैनर किस प्रकार से हो, मान लो 2 अप 3 डाउन या 2 अप 4 डाउन, इस प्रकार का अगर मैनर है यानी नीचे की संख्या अगर ज़्यादा है तो उस मैनर से बनने वाली जो ट्विल भी है वो कहलाएगी वेब फेस ट्विल। तो इसको मैं 2 अप 3 डाउन से बनाता हूँ, मैनर ले लेता हूँ मैं 2 अप 3 डाउन, उसे किस प्रकार से बनेगी 1 2 3, 1 2,
ये तो इसमें देखिए मैंने दिया, मैंने टू अप थ्री डाउन, तो टू अप थ्री डाउन, नेक्स्ट टू अप थ्री डाउन, टू अप थ्री डाउन, टू अप थ्री डाउन और टू अप थ्री डाउन। तो इसमें देखिए आपको वेब की अधिकता ज़्यादा है, यानी वेब इसमें ज़्यादा आप दिख रहे हैं, क्योंकि जो खाली दिख रहे हैं वो वेब टप है, जहाँ पर ये खाली क्रॉस दिख रहे हैं, क्रॉस नहीं दिख रहे, इसका मतलब वेब अप है। तो ये कहलाएगी आपकी वेब फेस ट्विल। इसका जो ड्राफ्ट है वो सेम स्टेट ड्राफ्ट बनेगा, और जो पैक प्लान है तो आप जानते हैं कि किसी भी डिजाइन का ड्राफ्ट अगर स्टेट है तो डिजाइन का पैक प्लान सेम डिजाइन जैसा ही होता है। तो ये इसका पैक प्लान। तो ये हो गई आपकी वेब्ड फेस ट्विल। अब आता है आपका बैलेंस ट्विल। बैलेंस ट्विल में क्या होता है कि किसी भी कपड़े में वार्प और वेब का इंटरलेसमेंट इस प्रकार से होता है कि कपड़े के फेस साइड पर वार्प तथा वेब दोनों की मात्रा समान, वार्प और वेब दोनों की मात्रा समान, यानी कि अगर किसी डिजाइन का बैनर मान लो टू अप टू डाउन, थ्री अप थ्री डाउन, फोर अप फोर डाउन इस प्रकार का हो तो उससे जो बनने वाली जो डिजाइन है, जो ट्विल व्यू है, वो कहलाएगी बैलेंस ट्विल व्यू। बैलेंस ट्विल व्यू हमेशा सम संख्या के एंड्स और पिक्स पर ही बनाई जाती है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, मान लो मैं ले लेता हूँ टू अप टू डाउन, तो टू अप टू डाउन के हिसाब से कितने एंड्स कितने पिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, दो और दो चार। तो बैलेंस ट्विल है वो हमारी इस प्रकार का मैनर है, क्योंकि जिसमें कि आपकी वार्प और वेब की जो मात्रा है वो समान होती है, उस पर बनाई जाती है, और बैलेंस ट्विल हमेशा इवन नंबर पर बनती है, इवन नंबर के एंड्स की संख्या पर बनती है। किस प्रकार से, यह आपका लिया जैसे मैं मैनर देता हूँ ये टू अप टू डाउन वाला, तो इसके लिए आप लोग को टोटल एंड्स चाहिए टू और दो दो चार, फोर एंड्स और फोर पिक्स, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। इसी प्रकार से ये आपके नीचे पूरे ड्राफ्ट के लिए या आपकी डिजाइन के लिए वन टू थ्री फोर, ये आपका वन टू थ्री पैक प्लान के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिया मैंने टू अप टू डाउन, तो इसको किस प्रकार से बढ़ेंगे आपका टू अप टू डाउन। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा एक आगे और एक अप, टू अप टू डाउन, टू अप टू डाउन और टू अप टू डाउन। तो इसमें देखिए बार फेस कपड़े के फेस पर बार भी दो अप है और वेब भी दो अप है, यानी कि ये क्या है बैलेंस्ड है। इसका जो ड्राफ्ट है वो बनेगा हमारा पहली लाइन पहले उसके लिए, दूसरी दूसरे के लिए, तीसरी तीसरे के लिए, इस प्रकार से। तो इसका जो पैक प्लान है वो वापस, क्योंकि किसी भी डिजाइन का अगर ड्राफ्ट स्टेट है तो पैक प्लान सेम डिजाइन जैसा ही होता है। ये इसका पैक प्लान, ये इसकी डिजाइन, ये ड्राफ्ट, ये सॉरी ये पैक प्लान और ये ड्राफ्ट। तो ये हो गया आपका बैलेंस ट्विल व्यू। तो इस प्रकार से ये ट्विल व्यू आपका फिनिश, ट्विल व्यू के जो पांच प्रकार है वो खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो तीसरी बेसिक व्यू है वो है सटिन एंड सटिन। तो सटिन एंड सटिन व्यू तीसरी बेसिक व्यू है। सटिन एंड सटिन व्यू की जो स्ट्रक्चर है
वो इस प्रकार से होती है कि इसमें जो मार्क और वेक्टर का इंटरलेसमेंट है वो इस प्रकार से होता है कि कपड़े की सतह पर हमें या तो वार्क प्लॉट दिखाई देंगे या वेक्टर प्लॉट दिखाई देंगे। यदि कपड़े की फेस साइड पर हमको वार्क प्लॉट दिखाई दे रहे हैं तो कपड़े के बैक साइड पर वेक्टर प्लॉट दिखाई देंगे। तो अगर वेक्टर प्लॉट दिख रहे हैं तो सर्टेनली, अगर वार्क प्लॉट दिख रहे हैं तो सर्टेनली। तो किस प्रकार से बनेगी वो देखिए, सर्टेन एंड सर्टेन व्यू में हमें इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है कि इसकी कपड़े की सतह पर या तो वार्क प्लॉट दिखाई देगी या वेब प्लॉट दिखाई देगी। वार्क प्लॉट या वेब प्लॉट इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जैसे ये आपका दूसरा सर्टेन एंड सर्टेन व्यू कम से कम 5 एड्स पर बनाई जाती है, 5 एड्स और 5 पिक्स पर बनाई जाती है। हमेशा ये स्क्वायर होती है, इसमें एड्स और पिक्स की संख्या हमेशा समान होती है और हेड फ्रेम की संख्या भी पिक्स और एड्स के समान ही होती है। तो जैसे हम एग्जांपल देते हैं 5 एड्स का, इसमें देखिए इसकी डिजाइन किस प्रकार से बनेगी। ये आपका 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें देखिए इसकी जो डिजाइन है इस प्रकार से होती है, इसमें ये आपके वार्क है और ये आपके वेब है। अब यहाँ देखिए ये जो वार्क है, पहले नंबर का जो वार्क और ये आपके वेब है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो सर्टेन एंड सर्टेन व्यू के जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है, या तो इसमें वार्क फ्लॉट दिखाई देते हैं या वेब फ्लॉट दिखाई देते हैं। अब यहाँ देखिए ये इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जैसे देखिए इसमें वार्क या वेब में से कोई सी भी एक सीरीज, जैसे यहाँ पर ये वार्क सीरीज है, वार्क सीरीज का ये जो पहला एंड्स है ओनली यहाँ पर अप है और बाकी सब जगह डाउन है, तो ये इसका प्लॉट होगा। इसी प्रकार से वेब में देखिए वेब यहाँ पर डाउन है और बाकी सब जगह अप है। तो कपड़े के अगर फेस साइड पर वार्क प्लॉट दिख रहा है तो कपड़े के बैक साइड पर हमें वेब प्लॉट दिखाई देगा। सर्टेन व्यू वेब फेस्ड होती है जबकि सर्टेन व्यू वार्क फेस्ड होती है। सर्टेन में वेब की मात्रा फेस साइड ज़्यादा दिखती है और सर्टेन में वार्क की मात्रा फेस साइड पर ज़्यादा दिखती है। अब सर्टेन एंड सर्टेन व्यू दो प्रकार की होती है, एक होती है रेगुलर, कौन कौन सी, ये सर्टेन एंड सर्टेन व्यू दो प्रकार की होती है। नंबर एक रेगुलर सर्टेन एंड सर्टेन और नंबर दूसरी इरेगुलर सर्टेन एंड सर्टेन। इसमें रेगुलर सर्टेन एंड सर्टेन तो हमें ऑड और इवन नंबर दोनों पर बनाई जाती है, यानी सम व विषम, ऑड एंड इवन नंबर दोनों पर बनाई जाती है। जैसे 5, 7, 8, 9, 10। रेगुलर सर्टेन 6 एंड पर नहीं बनाई जाती, ये इसका अपवाद है कि रेगुलर जो सर्टेन है वो
सिक्स एड्स पर नहीं बनाए जाते, क्योंकि इसमें जो हम काउंटिंग नंबर ज्ञात करते हैं वो इसमें कोई भी संख्या नहीं होती, जो कि इसके काउंटिंग नंबर कॉमन फैक्टर होता है वो नहीं होता है। तो अब देखिए रेगुलर सेटिन और साटिन को बनाने के रूल्स क्या है। रेगुलर सेटिन और साटिन आपकी ट्विल बीम का ही रीअरेंजमेंट है। ट्विल बीम में हमारा काउंटिंग नंबर हमेशा एक रहता है, जबकि इसमें सेटिन एंड साटिन में हम काउंटिंग नंबर ज्ञात करते हैं, जो कि एक संख्या होती है उसको ज्ञात करने का एक रूल है। वो किस प्रकार से है तो वो देखिए, सबसे पहला है कि रेगुलर सेटिन एंड साटिन का जो काउंटिंग नंबर जो ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका जो पहला नियम है वो है कि इसमें काउंटिंग नंबर फर्स्ट नहीं होता, कॉमा एन यानी लास्ट संख्या, यानी जैसे ये फाइव एंड है तो फाइव भी नहीं होगा, यानी इसमें जैसे फाइव एंड सेटिंग है तो 1 2 3 4 5 तो फर्स्ट भी नहीं होगा, ये एन मतलब पांच भी नहीं होगा और एन माइनस वन मतलब चार भी नहीं होगा। तो काउंटिंग नंबर या तो दो होगा या तीन होगा, तो इसमें काउंटिंग नंबर वन नहीं होता, एन नहीं होता तथा एन माइनस वन भी नहीं होता। दूसरा, टोटल लाइन्स इन ए रिपीट, जैसे यहाँ पर फाइव है तो उसका जो कॉमन फैक्टर है वो भी इसमें काउंटिंग नंबर नहीं होता है। तो देखिए जैसे एट एंड सेटिन है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो काउंटिंग नंबर एक भी नहीं होगा, एन मतलब एट भी नहीं होगा, एन माइनस वन मतलब सात भी नहीं होगा और 2 4 और 6 ये इसके कॉमन फैक्टर हैं, तो ये भी इसमें काउंटिंग नंबर नहीं होंगे। तो काउंटिंग नंबर कौन कौन सा है इसमें एट एंड में 3 एंड 5 तो काउंटिंग नंबर कौन सा रहा 3 एंड 5। तो हम एक एक एग्जांपल देते हैं रेगुलर सेटिन एंड साटिन। तो सबसे पहले रेगुलर सेटिन, तो इसमें मैं एग्जाम्पल देता हूँ फाइव एंड्स, तो फाइव एंड्स में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला, अब इसमें जो काउंटिंग नंबर है मैंने निकाला था फाइव एंड्स का 1 2 3 4 5 एक नहीं होगा, फाइव भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, एन माइनस वन भी नहीं होगा, तो काउंटिंग नंबर या तो दो रखेंगे या तीन रखेंगे। मैं दोनों से ही बता देता हूँ आपको, दो से कैसे प्रकार से बनेगी और तीन से किस प्रकार से बनेगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 इसमें देखिए यहाँ दिया मैंने काउंटिंग नंबर 2, ये एरो का निशान है मतलब लेफ्ट टू राइट। तो इसमें देखिए आपका सबसे पहला क्रॉस यहाँ, अब काउंटिंग नंबर 2 के लिए 1 2 क्रॉस आएगा यहाँ, फिर 1 2 क्रॉस आएगा यहाँ, फिर आगे ले जाती है तो कहेंगे पीछे 1 2 क्रॉस आएगा यहाँ, 1 2 क्रॉस आएगा यहाँ। तो इसमें देखिए ये आपका जो वार्प है पहले कुप्पा पे है, बाकी सब इतना बड़ा प्लॉट है जो बेड प्लॉट है, तो ये हो गई आपकी सेटिंग। अब देखिए इसमें इसको हम ये भी देख सकते हैं कि ये डिजाइन सही है या नहीं, किसी भी लाइन में चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, एक क्रॉस के अलावा और दूसरा कोई क्रॉस नहीं आना चाहिए। अगर वो सही है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब डिजाइन सही है, अन्यथा कहीं कहीं गलती कर चुके हैं। तो ये हो गई आपकी सेटिंग। अब इसी ये फाइव एंड
13, ये तो है 5 एंड 13। अब 5 एंड 13 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 5 एंड 13 ये किस प्रकार से बनाएंगे, तो जहां पर इसमें ये अप है वहां उसमें वो डाउन रह जाएंगे और जहां डाउन है वो अप हो जाएगी। यानी कि कपड़े के अगर फेस पर आपको देखने से इस प्रकार दिख रहा है तो ये 13 है, तो कपड़े के जो बैक साइड है वो 13 है, तो उसको देखिए जहां पर ये क्रॉस है वहां हम छोड़ देंगे, बाकी को हम फिलअप कर देंगे। तो इसमें यह आपका फिलअप हो जाएगा, ये कहलाएगी आपकी 5 एंड 13, ये कहलाएगी 5 एंड 13, ये 5 एंड 13 और ये 5 एंड 13 दांत पे जो इसका स्टेट बनेगा और जो पैक प्लान है वो सेम डिजाइन जैसा। तो ये हो गई आपकी 5 एंड। इसी प्रकार से 8 एंड तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 8। तो इसमें देखिए अब काउंटिंग नंबर क्या रहेगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंटिंग नंबर फर्स्ट भी नहीं होता, यानी एन भी नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ एंड ए एन है, एन बराबर 8 और एन माइनस 1 भी नहीं होगा और 2, 4, 6 इसके कॉमन फैक्टर है वो भी नहीं होगा, तो काउंटिंग नंबर या तो 3 या 5। तो हम काउंटिंग नंबर लेंगे 3 और पीछे से लेंगे लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहला क्रॉस हम क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे। अब काउंटिंग नंबर 3 के लिए 1, 2, 3 बताएगा यहाँ, 1, 2, 3 बताएगा यहाँ 1। अब आगे डिजाइन दिए तो पीछे के नहीं, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 तो ये हो गई आपकी 8 एंड 13। आपकी 8 एंड 13। अब इसकी 13 बनाएगी तो किस प्रकार से बनेगी, जहां पर ये इसमें जो क्रॉस दिख रहे हैं वो तो जाएगी खाली और बाकी के जो हम क्या कर देंगे फिलअप कर देंगे, यानी इसको मैं ये बाकी के आपके क्या हो जाएंगे फिलअप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी आपकी 13। तो ये हो गई आपकी 8 एंड 13। तो ये हो गई आपकी रेगुलर 13 एंड 13। इसी प्रकार से हम 7, 9, 10, 11 भी बना सकते हैं, ओनली 6 एंड्स की रेगुलर 13 13 नहीं बनाते क्योंकि उसमें जो ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो कि उसका कॉमन फैक्टर है, इस कारण से, क्योंकि देखिए 6 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी काउंटिंग नंबर 1 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, ये एन माइनस 1 और टोटल संख्या भी याद है, ये भी नहीं होगा, 2 और 4 कॉमन फैक्टर है इसलिए ये भी नहीं होगी, इसलिए इसमें कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं होता, इसलिए इसको हम इरेगुलर 13 बनाते हैं, इसलिए 6 एंड 3 क्या बनाते हैं,
इरेगुलर सर्टेन बनाते हैं। आप देखिए ये तो हो गए आपका रेगुलर, फाइव हेड्स की बता दी, एट हेड्स है। अब आता है इरेगुलर सर्टेन एंड सार्टेन। इरेगुलर सर्टिन है सार्टिन, इसमें जो काउंटिंग नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है वो सेम रेगुलर सर्टिन जैसा ही है, लेकिन इसकी जो डिजाइन बनाते हैं उस समय हमको इसके थोड़ा सा अलग से बनाते हैं। उसमें हम रेगुलर को हमारे सम और विषम यानी ऑड और इवन नंबर दोनों पर बनाई जाती है, जबकि इरेगुलर हमेशा इवन नंबर पे बनेगी, जैसे 6, 8, 10, 12, क्योंकि इसमें हमें जब भी इसको बनाते हैं तो डिजाइन के दो पार्ट करने पड़ते हैं, और दो पार्ट हमेशा किसी सम संख्या के ही होते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं 6 एंड्स का ले लेता हूँ, 6 एंड्स सर्टिन इरेगुलर, 6 एंड्स इरेगुलर सर्टिन, वो किस प्रकार से बनेगी देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 6, इसमें काउंटिंग नंबर हम दो लेकर बनाएंगे, क्योंकि इरेगुलर सर्टिन है, इसका रेगुलर इसकी बनती नहीं है, तो काउंटिंग नंबर दो लेकर इसको बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्रॉस, अब इसमें क्या होता है कि हाफ के बाद में इसके जो नियम है वो है कि आधे तक यानी फर्स्ट हाफ तक, जैसे 1, 2, 3 फर्स्ट हाफ तक तो काउंटिंग नंबर जो भी आपका काउंटिंग नंबर है, जैसे इसमें काउंटिंग नंबर 2 है, ओरिजिनल जो काउंटिंग नंबर है फर्स्ट हाफ तक तो वो ही रखते हैं पहला रो, यानी काउंटिंग नंबर फर्स्ट हाफ तक ओरिजिनल काउंटिंग नंबर जैसा होता है। उसके बाद में हाफ से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो एक पिक के लिए काउंटिंग नंबर बदलकर टोटल संख्या का आधा हो जाता है, यानी टोटल नंबर ऑफ एंड्स इन ए रिपीट, यानी जो उस रिपीट में टोटल जो संख्या उसका आधा हो जाता है, तथा बाकी जो बचे हुए पिक्स हैं उनके लिए काउंटिंग नंबर पहले जैसा ही, यानी एक पिक के लिए तो काउंटिंग नंबर टोटल संख्या का आधा हो जाएगा, उसके बाद में जो बचे हुए एंड पिक्स हैं उनके लिए काउंटिंग नंबर पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन दिशा बदल जाती है। अगर इसकी काउंटिंग नंबर की दिशा लेफ्ट टू राइट है तो उसमें काउंटिंग नंबर की जो दिशा है वो राइट टू लेफ्ट जाएगी। कैसे, जैसे इसमें मैंने काउंटिंग नंबर 2 दिया तो सबसे पहले क्रॉस यहाँ पर आ गया, अब काउंटिंग नंबर 2 लेते हैं, 1, 2 आ गया, 1, 2 आ गया, अब काउंटिंग नंबर जैसे ही आधे से ऊपर जा रहे हैं तो काउंटिंग नंबर बदलकर टोटल संख्या का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है 6, तो काउंटिंग नंबर 6 का आधा कितना होता है 3, तो काउंटिंग नंबर बदलकर कितना हो जाएगा 3, लेकिन दिशा सेम रहेगी, तो 1, 2, 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि एक पिक के लिए काउंटिंग नंबर बदलकर टोटल संख्या का आधा हो जाता है, यानी यहाँ से तो ये चला इस प्रकार से, यहाँ भी इस प्रकार से चला, और यहाँ भी ये इस प्रकार से चला, यानी दिशा सेम रही, तो यहाँ तक तो काउंटिंग नंबर 2 और आधे से जैसे ऊपर गए तो काउंटिंग नंबर बदलकर टोटल संख्या का था यानी 3 हो गया यहाँ पर, जैसे इस क्रॉस के लिए काउंटिंग नंबर कितना हो गया 3। अब बाकी जो बचा हुआ पिक्स है जो 2, उनके लिए काउंटिंग नंबर पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, यानी हम लेफ्ट टू राइट गिन रहे थे तो अब राइट टू लेफ्ट गिन रहे, तो कैसे होगा, 1 और 2, 1 और 2, तो यानी कि ये यहाँ से
इस प्रकार से दिशा हो गई। तो ये हो गई आपकी सिक्स एंड्स सटिन, सिक्स एंड्स इरेगुलर सटिन। अब इसकी सटिन जो बनानी है, तो जहां पर ये क्रॉस है अगर सटिन बनाएंगे इसको, तो जहां पर ये क्रॉस है वो डाउन हो जाएगी, बाकी अप हो जाएगा। तो ये आपकी साटिन हो जाएगी। ये आपकी साटिन हो जाएगी, सिक्स एंड इरेगुलर साटिन। इसी प्रकार से एट एंड की देख लीजिए, एट एंड किस प्रकार से होगी, एट एंड्स इरेगुलर सटिन। एट एंड्स में देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, काउंटिंग नंबर एक नहीं, आठ नहीं, सेवन नहीं, सिक्स नहीं, फोर नहीं, टू नहीं, तो काउंटिंग नंबर है तो थ्री या फाइव। तो ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो एट एंड रेगुलर सटिन कैसे बनाई, काउंटिंग नंबर हमने लिया थ्री और दिशा उसकी रही लेफ्ट टू राइट, तो वन टू थ्री फोर, यहाँ तक ये हाफ हो गया, यहाँ तक ये हाफ। तो हाफ तक तो हमारा जो काउंटिंग नंबर है वो जो ओरिजिनल काउंटिंग नंबर है, थ्री देंगे तो थ्री, फाइव देंगे तो फाइव, तो मैंने काउंटिंग नंबर तीन दिया, तो ये काउंटिंग नंबर आप तक तो काउंटिंग नंबर थ्री रहेगा। जैसे ही फोर से फिफ्थ फिफ्थ पे जाएंगे तो काउंटिंग नंबर बदल कर टोटल एंड्स या टोटल पिक्स का आधा हो जाएगा। इसमें टोटल एंड्स कितने हैं, एट, तो कितना हो जाएगा चार, किस फोर से पिक के लिए, ओनली फिफ्थ पिक के लिए। उसके बाद में जो बचे हुए सिक्स सेवन एट पिक है उनके लिए काउंटिंग नंबर तीन ही रहेगा, लेकिन दिशा बदल जाएगी। तो किस प्रकार से, पहला क्रॉस यहाँ, अब काउंटिंग नंबर तीन लेकर के हम हाफ तक भरेंगे, वन टू थ्री, और दिशा रहेगी हमारी लेफ्ट टू राइट, वन टू थ्री, फिर वन टू थ्री, यहाँ तक आगे। अब हाफ से जैसे ऊपर जाएंगे तो एक पिक के लिए, ओनली फिफ्थ पिक के लिए काउंटिंग नंबर बदल कर कितना हो जाएगा, टोटल संख्या का आधा, और दिशा सेम रहेगी। तो ये अब इसमें जैसे आगे जाएंगे तो काउंटिंग नंबर हमारा कितना हो जाएगा, फोर। तो देखिए वन टू थ्री फोर, ये आ गया, यानी कि यहां से इस प्रकार की दिशा हमने चली, ये आ गए इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। अब बाकी जो बचे हुए पिक्स हैं उनके लिए काउंटिंग नंबर पहले जैसे ही तीन रहेगा, लेकिन दिशा बदल जाएगी, दिशा कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से काउंटिंग नंबर कितना रहेगा, तीन ही रहेगा। तो अब यहां से देखिए, पहले इधर जा रहे थे, अब काउंटिंग नंबर तीन, वन टू थ्री आ गया, वन टू थ्री आ गया, वन टू थ्री आ गया। अब इसको देख लीजिए, कोई भी किसी भी लाइन में या किसी भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन में एक क्रॉस करा हुआ नहीं है, तो ये डिजाइन आपकी सही है। अब देखो यहाँ से दिशा ऐसे चली और काउंटिंग नंबर थ्री यहाँ से, तो ये हो गई आपकी एट एंड्स इरेगुलर सटिन। इसमें जहाँ क्रॉस है वहाँ खाली कर देंगे और जो बाकी है उसको फिलअप कर देंगे, तो एट एंड सटिन बन जाएगी। तो ये आपका सटिन एंड सटिन का जो टॉपिक है ये भी खत्म हो गया। तो इस प्रकार से हमारी जो बेसिक व्यू है जो तीन प्रकार की थी, प्लेन व्यू, ट्विल व्यू, सटिन एंड सटिन व्यू, जो वह आपकी फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट टर्म पर हम आपका अगला टॉपिक लेंगे। थैंक्स।